इतने ड्रामे किए थे यहाँ पे, चमत्कार हो गया। बहुत ज्यादा इंतजार है बच्चों से गले लगने का। बता के तो जाना चाहिए उसको, मेरे साथ मत घुमा करो। ओ प्लीज। फाइनली हम पहुँचे एयरपोर्ट पे। कौन सा बच्चा किससे ज्यादा प्यार करता है? पापा आ गए, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई रात को सीन ये हो गया था कि पायल को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और कुछ ऑर्डर भी नहीं हो रहा था और उसको होटल का भी नहीं खाना था। अभी पायल सो रही है, सुबह हो गई है, तो मैंने बोला चल पायल तेरे को नाश्ता वाश्ता करवा लेता हूँ। रात के बर्गर वर्गर ऐसे पड़े, एक बर्गर आया था वो मैंने खाया था, ये कैसे कैसा है। पायल ने खाया नहीं, अभी मेरी जान को उठा देते हैं। पायल, पायल मैडम, ओए पायल खड़ी हो जा, नाश्ता बन रहा है, चल खड़ी हो, सुन चल, नींद आ रही है, ब्रेकफास्ट करके आएंगे, चल खड़ी हो जा बेटा, देख कॉल भी आ रही है, खड़ी हो जा। तो भाई पायल को मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, चप्पले वप्पले सब पहना के। आज का टास्क यही है कि उसको लिफ्ट तक ऐसे लेके जाओ। ठीक है चलो, मैंने खिड़की खोल दी। यार ये तो गली तो बहुत छोटी है, तो आगे चलना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई लिफ्ट खराब है, मुझे जाना 3 मंजिल इसको ऐसे लेके। तो अभी हम पहुंचे हैं 4th फ्लोर पे। तो गाइस मैं तो पहुंच गई हूँ, कौन से फ्लोर पे? 5th फ्लोर पे। आ जाओ, एक फ्लोर और रह गया। पायल खड़ी नहीं हो रही, पायल सो रही है, बेबी थक गए हम तो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए 6th फ्लोर पे, रेस्टोरेंट पे आ गए। पायल पायल को तो पकड़ो। अच्छा इतने ड्रामे किए ना, इसने आज दिमाग खराब। यहाँ पे नहीं है रेस्टोरेंट बेटी, सामने। सांस चढ़ी है बहुत ज्यादा। मैं इसको कम से कम 42 सीढ़ियाँ लेके आया हूँ, 42 सीढ़ियाँ मैंने गिनी थी पता। अब ऐसी शक्ल मत बना, अच्छा सा कुछ खिला दे, कुछ मजेदार सा खिला दे। गोलू क्या खा रही है तू? मैं इडली और उत्पम, जो 3 दिन से मन करता खाने का वही खा रही। जो जो मन था सब कुछ है। मैं कह रही थी मेरे को बोंडा खाना है, हैदराबाद में मिलता है वो, यहाँ पे भी है बोंडा। तो गाइस पायल को अभी होश पूरा आ गया है और क्या मांग रही है तू? मैंने बोला सब मेरे को फ्रेश, तो फ्रेश खाना है। पायल अच्छे से बैठ जाना, कैसे बैठी है? आराम से बैठी हूँ। तू तो गाड़ी में भी ऐसे बैठ के आई थी? हाँ छोटी गाड़ी थी ना, इनोवा छोटी गाड़ी होती है? उससे पहले तो छोटी गाड़ी थी। तो फिर इनोवा में भी तो ऐसे बैठ के आई है? याद नहीं मुझे, आपको याद रहता सब। तो गाइस कुदरत के बिना अजीब अजीब रंग हैं। आप ये देखो कि हरियाणा में मशहूर कलाकार अमित सैनी रोहतक के बेटे का निधन हुआ है और यहीं पे उसी दिन पंजाब में सिद्धू के माँ बाप ने छोटे सिद्धू को जन्म दिया। तो ये लगा लो कि पंजाब में एक तरह से खुशियों का माहौल है और हरियाणा में गम का माहौल है। तो कुदरत के भी भाई अजीब नजारे। तो भाई बेंगलुरु में आके इसको खाना अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा, फूड नहीं है वाला। 2 बाइट खाई है बस हो गया। पालने भी नहीं खाया डोसा। अच्छा नहीं है क्या? वहाँ पे अच्छा था। हाँ जहाँ मैसूर में गए थे वहाँ का डोसा कितना प्यारा था, सॉफ्ट भी था, सॉफ्ट भी था। ये बहुत पत्थर जैसा डोसा है। मुझे ना बोलते दी खा रही है, काम करो मुझे ना नीचे तक, हमारे फ्लोर तक लेके चलो। पागल है, बहुत वजन है, बोलो प्लीज। नहीं नहीं पता। अरे क्या चलो, अरे मैं तेरे को ना हरिद्वार तक ले जा सकता हूँ पैदल। ठीक है छोड़ दो। पायल बिना मेकअप पे नहीं जा सकते हम? नहीं बेटा मेकअप तो एयरपोर्ट पे जाना था है? बिना मेकअप के जा, गोलू ऐसे ही जा जैसे है। नहीं बिना, अभी लिपस्टिक बाकी है बस। तो गाइस नहा धो के हीरो की तरह रेडी हो गए हैं और गोलू पायल ने आज भी कुछ मैचिंग पहना है और क्या पहना है वो आप खुद देख लो, जो 2 दिन पहले मैं इनको जारा से दिलवा के लाया। सही फिट लग रहे हो गोलू? फिट लग रहे हैं। देखो चप्पल सेम, कपड़े सेम, हस्बैंड सेम, बच्चे सेम, आंखें सेम, घर सेम। आज ना एक चीज आपको मैं पास से दिखाता हूँ, पायल इधर आ जा। पायल को देखो आजकल मैं पूरा सोने पे ध्यान दे रहा हूँ, पायल की स्किन देखो कितनी अच्छी हो रही है। अच्छी लग रही है ना? मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा है, मेकअप करके ना मेकअप ग्लो कर रहा है मेरे फेस पे। सेम सोने सोने से हो रहा है ये, सोने से। हाँ सही बोल रहे हो, फेस पे मेकअप एकदम ग्लो कर रहा है, स्किन बिल्कुल साफ हो गई और हमारी विदाउट मेकअप भी स्किन साफ है। क्योंकि गाइस हम ना स्किन पे कुछ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? क्योंकि ना हम चाहते हैं कि ना हम जो भी चीज लगाएं, जो भी चीज यूज करें ना, उसको पहले R&D कर ले, उसकी स्टडी कर ले, फिर आप लोगों को बताएगा। थोड़े दिन बताऊंगी आपको। तो गाइस यहाँ पे चमत्कार हो गया, मतलब रात से इतना गंदा फूड था, हमने नीचे जाके इनको सुनाया, उसके बाद जो ये वाली चाय आई है ये कमाल की चाय है, क्या बोलते हैं? जबरदस्त, ऐसा लग रहा है घर की चाय पी रहे हैं, है ना? मतलब रात में मैं भूखे पेट सोई हूँ। रात का बताती हूँ गाइस, रात को ना यहाँ का खाना समझ में नहीं आया, बर्गर मंगाया इन्होंने, खाया नहीं, छोड़ दिया। और मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, फिर गोलू ने ना स्विगी से ऑर्डर किया, पहले उसमें दिखा रहा था 25-30 मिनट, 26 मिनट से 35 मिनट हो, 35 मिनट से
से 40 मिनट, 40 मिनट से 45 मिनट से जो रेस्टोरेंट वाले थे ना वो खाना बना कर नहीं दे रहे थे। फिर मैंने स्विगी से लड़ाई करी रात को, फिर भी मेरा खाना नहीं आया, मैं भूखे पेट सोई। फिर मैंने सोचा चल यहाँ से कॉल आ गया था होटल वाला का, आपका ना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मैंने कहा चलो कुछ भी होता ब्रेकफास्ट अच्छा होगा, ब्रेकफास्ट खाने गए भाई, वो तो सुबह की स्टोरी आपने देखी ली। तो अब जाके हमें जो है चाय नसीब हुई है बहुत अच्छी। तो गाइस हम निकल चुके हैं भैया एयरपोर्ट के लिए, 8:30 बजे की हमारी फ्लाइट है और यहाँ से हम 6 बजे निकल रहे हैं। कि भाई कोई भी गलती ना हो, कुछ भी ना हो, क्या बोलते हैं? तो ये जो पजामा ना गाइस, ये मैं घर से निकल के आई तब से पहन रही हूँ। तो भाई हमें कोई मैले वैले थोड़ी होते, तुम आके पहन के उतार दे, तुम कोई बताओ रोड। तो हमने हर बार टॉप चेंज किया है पर पजामा इतना कम्फर्टेबल है, ऐसे पजामे मैं जरूर बनाऊंगी खुद से अपने घर में। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं होटल से एयरपोर्ट के लिए और बस अपना वेट नहीं हो रहा। जब लास्ट दिन होता है ना तब ऐसा होता है बस घर चले जाओ, पर देखो काम भी जरूरी है और अच्छी बात है हम लोग काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं तभी पल जो तेरा डायलॉग था बड़ा अच्छा लगा, वो 40 लोग घर पे आराम से सो रहे हैं। हाँ तो एक डायलॉग था कल पायल का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं जहाँ से हम वापस गए थे, वहाँ पे वापस आ गए और घर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंतजार है बच्चों से गले लगने का, क्योंकि वीडियो कॉल पे तो कंटिन्यूस बात हो रही है पर जब तक गले ना लगाए ना बच्चों को तब तक वो ठंडक नहीं पड़ती। तो एयरपोर्ट पे पहुंचते हमारा कट गया है 1200 रुपए का, और कटा गया मैं बता देती हूँ। एयरपोर्ट पे आते ही ना हमने सोचा चलो रेडी लेते हैं और लगेज ढोते हैं। इतने में सामने से एक बंदा आया, उसने हमारा सारा सामान ढो लिया। मुझे लगा चंडीगढ़ की तरह 200-300 रुपए 400 रुपए ले लेगा इसी कोई नहीं। तो जैसे हम सामान लेके चलने लगे ना उन्होंने कहा रुको रुको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने कहा यही, मुझे लगा पेमेंट तो वही करेंगे जहाँ सामान देंगे। तो वो लेके आई भाई मशीन, अपनी मशीन लेके आई। हमने बोला कितना, कह रही 2100। 2100 रुपए लोग अपने खुद ही लेके जा रहे हैं। हमारा हो गया जो हो गया, अगली बार याद रखेंगे। आप भी याद रखना अगर पहली बार बैंगलोर के एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो। ये हमारा सामान है वैस, ये हम सीख सीख के बता रहे हैं। 2100 रुपए कट गया हमारा, जहाँ तक हमारी बोर्डिंग वोडिंग सब कुछ ये करवाएगा। हमारे पैसे जब लगते हैं ना तो हमें ना सीख नहीं जाती है। नहीं बोर्डिंग नहीं करवाएगा, बोर्डिंग काउंटर तक ये रख के आएगा। बोर्डिंग वोडिंग के पैसे अलग है। इतने पैसे 2100 रुपए यहाँ तक के, यहाँ तक के थे पैसे। सोलह सौ रुपए तो हमारी गाड़ी वाले ने लिए। हाँ जी, कहते कहाँ जा रहे हो सर बाहर? मैंने बोला मैं तो चंडीगढ़ जा रही हूँ, कह रहा आपका नहीं दिखा रहा। मुझे लगा तुम सब जाओगी, आज मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं फिर हम दो एक दो हफ्ते बाद आते हैं। हाँ अपना सामान उधर लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं मैं यहाँ से पायल के साथ हमारा सामान पायल मैं यहाँ से पहले हैदराबाद जाती हूँ, वहाँ जाके शॉपिंग करके फिर आती घर। ये मुझे अकेला छोड़ रहे थे, शर्म नहीं आती इनको। इनको ये बोलना चाहिए था कि तुम दोनों चले जाओ, मैं अकेले रह लेता। दोनों मेरे पास ना फोन नहीं है, मेरा फोन ना धीरज के पास है। मैं ना बैग रख के ना गायब हो रही हूँ, ठीक है? और ना आप बोलना पता नहीं गोलू कहाँ गई, ठीक है? अरे ढूंढ लेगी वो अपने आप। एक बार उसका रिएक्शन देखेंगे। देखो वहाँ पर है, मैं बैग कहाँ रख के जाऊँ? बैग यहीं रख के बोल गोलू पता नहीं कहाँ गई, कहाँ छुपी? जल्दी बोलो, मैं चली जा रही सामने पहले देखा। कहाँ गई गोलू? ये कहाँ गई? मुझे क्या पता, बैग ऐसे छोड़ के कॉल कर लेना। उन दोनों तो मेरे पास ही है, उसका भी बता के तो जाना चाहिए उसको, देख क्या कहा। तो यहाँ पे गोलू को लग रहा है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी, पर मैं उसे एक मिनट में ढूंढ सकती हूँ। जा फिर मैं बैग के पास जा दूंगा। हेलो हाउ आर यू? तो गोलू का प्रैंक फेल हो गया। अरे मैं वहाँ पे 5 मिनट तक खड़ी रही, कोई आएगा कोई आई, तू आई नहीं मेरे को ढूंढने के लिए। मेरे को पता था थोड़ी देर नहीं ढूंढूंगी, अपने आप आ जाएगी। मैं अपने आप आ गई बेशर्मों की तरह। वहाँ पे मैं खड़ी रही, अब आएंगे मेरे घर वाले, अब आएंगे ना, मेरे पास फोन ना कुछ। तो भाई अभी एयरपोर्ट पे शॉपिंग करने वाले हैं। काम करें? काम क्या करें? सामने से करें शॉपिंग करें। हाँ फिर चलना साथ में, चलना। डायमंड बहुत चीजें महंगी है एयरपोर्ट पे ना, कम से कम 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। हम तो डायमंड वैसे भी नहीं पहनते, हमें पता है डायमंड रीसेल वैल्यू नहीं होती, पर कहते हैं रीसेल वैल्यू नहीं वैसे। तो आज गोलू ने ना मेरा जो स्पेक्स है ये देखा और बोला कि मुझे कुछ भी ना हो अच्छा लग रहा है। गोलू ये तो डायमंड का है, डायमंड का चश्मा पसंद है। कैसे लग अच्छा लग रहा है, ले देख ले। बहुत भारी है पता है, मैं कैरी नहीं कर सकती, मैं वैसे देख की। वो हमेशा वो लो शेड्स आप कैरी कर सको और महंगी आती चीजें, तो इसलिए एक बार लो। तो पहले काम कर पाए, 2-3 ना तू अपनी मर्जी से लगा के देख, फिर मैं अपनी मर्जी का बताऊँ कौन सा लेना। चश्मों में मेरी ये चॉइस बहुत गंदी है, तो आप ही देखिए। तो मुझे क्या लगता है गाइस कि मेरे ऊपर ना बड़े बड़े चश्मे अच्छे लगते हैं। देखो ये वाला ऐसा लगता है, और होना भी चाहिए जब बाहर जाए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिखे ही ना हमारी आंखें ना दिखे ना। ले लो आप, ये लो चलो। इन पे सारे बड़े चश्मे सूट करते हैं और सबसे डिफरेंट लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। एक ये भी है, इसका देख लो गाइस, बहुत ही सुंदर सा लॉन्च है। तो यहाँ पे पायल को चाय पानी खाना खाना, क्योंकि कल से ना हमें ढंग का खाना मिला ही नहीं है। पायल बिल्कुल बिल्कुल मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ बढ़िया सा खाऊं। मैं फ्लाइट की नूडल्स ना खाऊं, नूडल्स इतने टेस्टी नहीं होते, तो यहीं से खा के फिर बैठेंगे। गाइज यहाँ पे भाई हमारा फेवरेट पिज्जा आ चुका है, थिन क्रस्ट। ये वाला जो चिकन पापड़ा थोड़े दिन पहले कह रहे थे गोलू पिज्जा मंगवा दे, तो मुझे ना ये वाला पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये पतला होता है एकदम थिन। फेंटा नहीं पीनी गोलू, मैं वो बना लेती हूँ। क्या? अरे वो क्या होता है, मार्गरिटा क्या होता है, मार्गरिटा ही तो ये होता है। अरे वो उस कोल्ड ड्रिंक नींबू एम्बू मिक्स करके देते हैं जिसमें मोहितो वही तो होता है। सॉरी वो मंगा ले। हम सोच रहे थे जल्दबाजी में ना ये गर्दन का लिया था 4,500 रुपए का, मेरे घर पे 8-10 पड़े हुए। काम करो उसको रख दो, बोलो ये इसलिए मेरे पास ये कलर हमें सूट नहीं करता।
अच्छा सी, उसके बाद ये अपने ले रहे थे गोलू बोली चीकू के लिए भी कुछ ले लेते। तो मैं ना ऐसे ले लेके जाती मैं कि ये रेट पड़े थे मैं भी रेट पड़ लेती हूँ, तो रेट देखा तो 450 रुपए का है, वो तो वापस रख दिया, बहुत महंगा है। ये कितने का? ये 2000 रुपए का। 2-2500 रुपए टक रहे हैं, देखते हैं सबके रेट पड़ रहे हैं, जिसके रेट कम है ना उसका ये 2500 का है। फाइल कौन सा वाला ले रही हो? 2500 वाला। अरे वो तो बहुत महंगा था यार, 4000 वाला 1995 का था, वो था 2400 रुपए का। मैं कह रही हूँ गुडू गुडू ये चाहिए चाहिए, वहाँ पे दे दिया था बिलिंग के लिए, कह रहे नहीं ये ठीक है ये ठीक है, समझ नहीं आया मुझे, मुझे भी नहीं आया। 2400 रुपए का लेके गए थे चीकू पापा वहाँ से। अच्छा, मैंने यहाँ से उठाया 2400 रुपए का। अच्छा, वो गुडू ये वाला अच्छा है। अच्छा, ऑलरेडी वो बिलिंग के लिए दे चुके थे। तो कितने रुपए का लिया? ये थोड़ा मजेदार सा था ना, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा है। सुनो मैं इसे चार दिन अंदर रख दूंगी, इसका मतलब जो आप दुबई से लेके आए थे महंगे वाले हैं, आप पता नहीं चलता हमको। चलो चलो, तुमने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, समझिए मेरे साथ मत घुमा करो। कौन हम ना घुमा करें? ओह प्लीज डोंट टॉक टू मी। ये होती है लापरवाही। अब यहाँ वाली दुकान मुझे लग रहा है सस्ती है। एक बार रेट पढ़ के हैं, एक बार रेट पढ़ के आ जा, एक बार सुनो 999,300 का आपने लुटवा दिया। 1300 का है वो तो, हजार रुपए जितने में ये एक लेके आए उतने हम दो ले लेते, लुटवा के आ गए हमें। इसलिए बोलते हैं कि ना जो लड़कियां होती है ना उससे शॉपिंग करती है, इसलिए कहते हैं हमेशा औरत को इसका मैं क्या करूं। वो डस्टबिन पर वो कह रहे हैं वहां जाके फेंका, मुझे पेपर है पेपर में फेंका, पेपर में देखो पेपर। वैसे एक बात है, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है पालना। हाँ, जैसे हमारा बहुत ज्यादा है, हमारा जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है ना वाला इंटरनेशनल, वैसे ये बड़ा। पिछले 3.5 किलोमीटर से चल रही हूँ मैं कंटिन्यू, बाकी बाकी आ रहे और क्या, इतना तो कभी नहीं चली, इसको अंदाजा नहीं होता। पर इसके हिसाब से 2 दिन से जिम मिस कर रहे थे ना आप, मैंने सोचा कितने किलोमीटर चले होंगे, मैं एक डेढ़ तो चले होंगी, 500 मीटर क्या। चलो फिर बैठते हैं, थक गए। देखो वहाँ पे लिखा भी है 1599। अब हमें जगह जगह ना ये दिख रहे हैं यार, मैं कहती हूँ वापस कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बोलो उसके पर्चे पुर्चे तो फाड़ दिए, मैंने फाड़ दी तो मैं वापस निकालू कूड़े दान से, वापस कर दो दान से, वापस करो इसको। फाइनली बोर्डिंग हो गया, तो अभी मिलेंगे आपको सीधा चलने। मैं तो जाती है ना फ्लाइट में, सो जाऊंगी मैं, 3 घंटे खराब नहीं करूंगी। मैं भी सो जाऊंगी, मैं भी तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, सो जाऊंगी। तो गाइस मुझे ना अभी फ्लाइट से एक बात याद आ गई, आज से मतलब लगा लो 5-6 साल पहले की बात है। चीकू के पापा मैं हम दोनों पायल तीनों ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं बैठी हुई थी, तो ना पायल और चीकू वॉशरूम गए थे, तो मेरे साथ ना कोई इंसान आके बैठ गया था, तो मैं बैठी कह हेलो, तो मैंने बोल दिया हेलो, तो आदमी था तो कह रहे, मैं उस टाइम पे ना दिल्ली जा रही थी अहमदाबाद, तो कह रही कहाँ जा रहे हो। नहीं कोई इतनी ऐसी आई कि रास्ते में कोई स्टॉप थोड़ी है कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो मुझसे ऐसे पूछ रहा कहाँ जा रहे हो बताओ। दिस इज गुड नूडल से अच्छा दाल चावल खा सकते। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करा है दाल चावल, अच्छा लगा। पायल मेरे को ट्राई मैं भी करती हूँ, मैंने नूडल्स लिए, नूडल्स हम करते रहते हैं। हम लोग इंडिगो में ट्रैवल कर रहे थे, वापस चंडीगढ़ पहुंच गए, बहुत ज्यादा स्वीट जेस्चर लगा मुझे ये रिसीव हुआ पूरी फैमिली को, और थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर अच्छा लगा, बहुत कमाल की सर्विस रहती है हमें। थैंक यू सो मच सर, वी वुड लव टू सी यू अगेन फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। तो वाइब जो चंडीगढ़ की वाइब है वो कहीं नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट पे, हमारे बच्चे हैं बाहर, तो फाइनली भाई हम चंडीगढ़ की सड़कों पे आ गए, सूरज भाई हमें लेने आ गए हैं। वेलकम 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 गो। हम बहुत ज्यादा बच्चों को तो वहीं छोड़ा है, वाला सामान लेके आ जाना। सही है सही है। सूरज भाई बहुत समझदार है, 2 गाड़ियां लेके आए हैं, भाई जो सामान लेके आ रहे हैं वो अलग से आ जाएंगे। चलो फिर चलो फिर सूरज भाई तुम्हारे बाल 200% आ जाएंगे। कितने लंबे? 3 महीने के अंदर। कितने लंबे? मेरे जितने बाल हो जाएंगे, लेकिन बाल आ जाएंगे। और बाल आ जाए लंबे मैं अपने आप कर लूंगा। नहीं तेरी कसम। तो गाइस अभी घर जाके बच्चों को सरप्राइज देंगे, और कौन सा बच्चा है किससे ज्यादा प्यार करता है ये हमें देखना। हर बार यही देखते हो? हर बार यही देखना। मेरे पास आएगी तूबा और जो भी जैद या अयान। मुझे ऐसे लग रहा है अयान सो रहे हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, इतना बोल देगा, पापा करेगा वो, पापा करेगा वो। तीनों बच्चे मम्मी भी बोलते हैं। अच्छा, जैद बोलता है मम्मी मम्मी, बट मेरा बाबू पाए। और बच्चे कहाँ भाई? कैसी तू? सारे सो रहे हैं। अच्छा पापा पास तो आजा, मैं तो बोल गया था पापा पास आएगा, आजा पापा। तुबा तुबिस्सी नू तुबानू का तुबानू जा। अब पहचानने लग गए अच्छे से, अब पहचानने लग गए अच्छे से, है ना? अब अच्छे से पहचानने लग सोया कि नहीं तू? अब तक ये बता। हाँ पापा पास आना, आजा आना पापा पास। इसने पापा पापा बोला पर आया नहीं मेरे पास, क्यों नहीं आया भाई? पापा जे तू पापा। चलो भाई, माँ से ऊपर कुछ नहीं होता, बाप बूट तो।
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल पापा बोल। नहीं ठीक है, तो मम्मी का पापा के पास जाओ। मैं जाऊँ बोलता तो पापा ही है, मैं उधर मिल के आता हूँ। बहन उधर है तुम? तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार भाई भाई, ध्यान रखो, सेफ रहो। और मैं घर आ गया हूँ, मैं भाई चंपी करने वाला हूँ तेल की रेगुलर 3 महीने, और रिजल्ट अच्छा ही होगा। और जिसको भी ऑर्डर करना है पीछे वाली वीडियो में उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, चाहो वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो। नमस्ते।